गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने आप लोग को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था। आज जो है सबसे पहला नंबर में हम लोग जानेंगे, आप लोग को जिसे बताने जा रहे हैं प्राइम फैक्टर्स के बारे में। प्राइम फैक्टर्स यानी कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर विच आर प्राइम आर कॉल्ड इट्स प्राइम फैक्टर्स। वे सारे फैक्टर, किसी भी नंबर के वे सारे फैक्टर जो प्राइम नंबर है, जो कि प्राइम और कंपोजिट आपको बताए थे, तो जो प्राइम नंबर है उसे हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में इसे यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 6, 1, 2, 3, 6, यहाँ प्राइम फैक्टर हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, तो 2 और 3 आएगा। 2 और 3 जो है प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम 6 का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 2 और 3। दूसरा नंबर है प्राइम फैक्टोरिजेशन। प्राइम फैक्टोरिजेशन क्या है, तो इसका मतलब होता है राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स इज नोन एज प्राइम फैक्टोरिजेशन। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के गुणनफल में लिखना प्राइम फैक्टोरिजेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में 6 को जैसे हम लिखना चाहते हैं, या अदर ले लेते हैं आपको 36, तो 36 को हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड, प्राइम नंबर से डिवाइड लगाया जाता है इसमें। जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हो तो सिंगल में 2 से सबसे पहले लगाएंगे, फिर 2 से लग जाएगा, अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, इस तरह से। इसलिए 36 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3, ये हो गया आपको प्राइम फैक्टोरिजेशन। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है तो दो तरह से किया जाता है, एक तो आप लोग को दिखा दिए और एक होता है फैक्टर ट्री मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का दो तरीका होता है, एक तो होता है फैक्टर ट्री मेथड, इसमें आपको किसी भी नंबर का फैक्टर ट्री से निकाल सकते, जैसे 36 का भी हमने निकाला था, इसको इस तरह से राउंड कर लेंगे।
इसके बाद इसको दो ब्रांच निकालेंगे ट्री का, फिर यहाँ पर राउंड कर लेंगे। सबसे पहले जैसे टू से डिवाइड लगेगा, तो टू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 18। अब जो इसको है आगे की ओर आप बढ़ाते जाएं, और यह जो है 18 फिर से डिवाइड होगा, ये 2 है, यहाँ पर 18 में 2 से फिर लगेगा 9 बार में। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये भी आ जाएगा साथ में, और इसको जो है दो भाग में फिर करेंगे। इस तरह से 3 से लगेगा 3 बार। ये हो गया आपको प्राइम फैक्टर, इसलिए 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। ये हो गया आपका फैक्टर ट्री। और सेकंड जो बताए अभी आपको बताए हैं नंबर 2 में, उसको हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में जैसा कि आपको पहले बताया, डिवाइड करके लगाया जाता है। जैसे हम 48 का इस बार निकाल रहे हैं, इसमें 2 से सबसे पहले लगेगा भागा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, अब 3 से लगेगा। इसलिए 48 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3। यहाँ पर 2 एंड 3 दो नंबर हैं, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो इस तरह से जो है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है को प्राइम नंबर्स। ये क्या है, नंबर 3 में को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं ये समझना। तो वैसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावे और कोई न हो, उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी 2 नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स इफ दे हैव only one as a they have only one as a common फैक्टर। यानी जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर और उसमें भी 1 जो है उसका कॉमन फैक्टर हो, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे एग्जांपल में मान लिया जाए कि हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 6, तो 1, 2, 3, 6 होगा। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ
इलेवन ले लेते हैं, तो वन एंड इलेवन होगा, इसलिए कॉमन फैक्टर कितना होगा, चूंकि कॉमन फैक्टर्स ऑफ सिक्स एंड इलेवन इज इक्वल टू केवल वन है, इसलिए सिक्स एंड इलेवन आर को प्राइम नंबर्स। यदि दो नंबर में कॉमन फैक्टर केवल वन हो तो वैसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग को एक्सरसाइज 5A के सारे पॉइंट्स हमने बता दिया। एच डब्ल्यू में आप लोग को जो है एक्सरसाइज 5A का जी से लेकर जे तक कंप्लीट करना है। जी में आपको चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं। एच में आपको फैक्टर ट्री से सॉल्व करना है, उसके बाद आई में भी फैक्टर ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन करना है, और जे में डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन करना है। तो इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियो में आप लोग को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।